आज कोई भंगी, कोई चमार, कोई अहीर, कोई धोबी, कोई धानु, राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते आप। ये तो पैर धोते हैं जी दलितों, वो कैमरे के सामने धोते हैं। क्यों रामचरितमानस पढ़ेगी? राम नहीं पढ़ेंगे, जितनी पुस्तकें हमको मिलती। अज्ञान तो नहीं है भैया, पंडित जातिवाद हुए फिर? पंडित नहीं, पंडित में जो पेशेवर है उसमें पेशेवर आ गया। लो भैया, जात कोई चाहे ब्राह्मण चाहे कोई नहीं बनाया है, सृष्टि को रचने वाले भगवान बनाए हैं। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि भगवान नहीं बनाए हैं, इसका क्या है? वो तो गलत कह रहे हैं। आपको ब्राह्मणों से बड़ी दिक्कत है भैया। नहीं नहीं, हमको ब्राह्मणों से थोड़ी दिक्कत है। पंडित जी कितना नाराज है, पंडित जी गुस्सा खड़े, आंखें लाल हो गई, दिखाई दिखाई दिखाई, पंडित जी की आंखें लाल हो गई भैया, पंडित नाराज को भी। अभी ये कह रहे हैं पंडितों ने जातिवाद किया, अब आपने साबित कर दिया। अभी कॉन्फिडेंट देखो भैया, कॉन्फिडेंट। मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। इतना सुनते ही ब्राह्मण समाज मोहन भागवत से नाराज हो गया और कहने लगा कि मोहन भागवत ने ये ठीक नहीं कहा, मोहन भागवत माफी मांगे। तो मोहन भागवत के इस पूरे वक्तव्य पर नेता लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम दारुल शफा के सामने खड़े। पीछे देखिए हमारे विधायक निवास दिख रहा होगा आपको, और सामने ये तमाम नेताओं के यहाँ पर जत्थे में हम खड़े हैं। ब्राह्मण कहता है सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। ब्राह्मण ये कहता है सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सबके लिए वो कहता है सब गुणज्ञ है, सभी पंडित हैं, वो कभी किसी को नहीं। आप ये बताइए रामदेव बाबा क्या है? यादव हैं जाति से, लेकिन आज उन तो बाबा है, नहीं बाबाओं की जात का संत हो गए भैया, लेकिन उन नहीं सही बात नहीं, उनकी संतों को भी। अभी ये कह रहे पंडितों ने जातिवाद किया, अब आपने साबित कर दिया। नहीं बाबा रामदेव अभी आ जाए, कोई ब्राह्मण ऐसा जो उनका पैर नहीं छुएगा, सारे लोग छुएंगे। हम कह रहे हैं कि साक्षी महाराज जी आ जाए, अभी देखिए सारे लोग पैर छुएंगे। तो जाति जाति पंडितों ने बनाई है कि भगवान ने बनाई है? जब जब भैया भगवान ने बनाई, पंडितों ने बनाई थे, इतना तो बता। भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाया, फिर किसने बनाई जाति? ये बोल रहे पंडितों ने बनाई। अच्छा ये बताइए आईएएस किसने बनाया, ये बताइए डॉक्टर किसने बनाया, ये बताइए बाबू किसने बनाया, ये बताइए चपरासी किसने बनाया। अच्छा ये बताइए शिक्षा ने बनाया। जाति ब्राह्मणों ने बनाई है और किसी ने नहीं बनाई है। अच्छा। कोई भी चीज है सब ब्राह्मणों के पीछे होता है, कहीं भी चले जाइए। ब्राह्मणों से बड़ी दिक्कत है भैया। नहीं नहीं, हमको ब्राह्मणों से थोड़ी दिक्कत है। मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, सही कहा है। जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है, इससे तो बीजेपी का नुकसान होगा। ब्राह्मण नाराज हो रहा है बीजेपी से। प्रज्ञा जी नाराज हो जाए तो ठीक भी है, अगर किसी के ऊपर डायरेक्ट आक्षेप करेंगे तो नाराज तो होना है। या तो सहन शक्ति हो कि हम सहन करके उसके बाद भी साथ दें। हकीकत में है कि मोहन भागवत जी जो बोले हैं, अगर ब्राह्मणों में रोष हो और ब्राह्मण एकदम उस तरह से आ जाए मैदान में तो बीजेपी का नुकसान होना तय है, लेकिन वो बात नहीं होगी क्योंकि उसके कारण है कुछ दिन के बाद मोनोपलाइज एक होता है ना, एक मोनोपलेट कर लिए, उनको घुमा दिए कि ऐसी बात नहीं ऐसा है। जबकि आरएसएस जो है बीजेपी से पहले अनुसांगिक संगठन, क्या वही मेन है एक तरह से? आप तो अनुसांगिक संगठन बता रही हैं, वहीं से संचालित होती है भारतीय जनता पार्टी। और उनके प्रमुख जी ये बोल रहे हैं कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति जो है पंडितों ने बनाई है। और हमारे एक मित्र बता रहे हैं कैसा नहीं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था पे ले आए हमारे बड़े भाई हैं कमलेश पांडे जी, और अच्छा बोले, और उन्होंने तार्किक बयान भी दिया है। और जितने लोग हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि जितने लोगों से आप पूछेंगी, जिनको जितना भी ज्ञान है, सारे लोग यही कहेंगे कि जात पंडितों ने बनाई है। पूछ ही लेते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो गुस्सा है क्या हमको? नहीं नहीं। अच्छा तो जाति किससे बनाई है, पंडितों ने बनाई है कि भगवान ने बनाई है? पंडितों ने बनाई है, पंडितों का मतलब होता है ज्ञानी, जो ज्ञानी है वही बनाए हैं जाति। आप बताइए भाई साहब। नमस्ते, पहले तो भागी मत इधर आइए, बैग एक टांगे, पढ़ने लिखने वाले हैं। नहीं, फार्मर हूँ। किसान है। चलो भैया, किसान है आप, युवा है, अच्छा लगता है। गाँव कहाँ पड़ता है? थोड़ा आगे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश जी। ओहो अच्छा, क्या लग रहा है भैया, जाति किसने बनाई? जाति ये जो वक्तव्य दिया है आदरणीय मोहन भागवत जी ने, ये बैकवर्ड मेजोरिटी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को लुभाने के लिए दिया है। अच्छा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया गंगा जल से, ये लोग, ये जो समर्ण समाज के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हम लोगों को, बैकवर्ड मेजोरिटी के लोगों को फूटी आँख से देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आकाश सिंह नाम है हमारा जी। तो
इन लोगों ने इसलिए वक्तव्य दिया क्योंकि 2024 का चुनाव है जिससे तो पैर धोते हैं जी दलितों, वो कैमरे के सामने धोते हैं। सुरक्षा होनी चाहिए, पेड़ धोने से पहले दलितों की सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ। तो दलितों को सर पे बिठाया है। हाथरस में कांड हुआ तो दलितों के पेड़ धोने से तो अच्छा उसकी जिंदा रखने के लिए कार्य होना चाहिए ना। बिल्कुल, पेड़ धोना इतना अच्छा काम नहीं है जितना उनकी सुरक्षा के लिए। वो कुमा लेगा, खा लेगा, जिंदा रह लेगा और जी वो अपनी शादी कर देगा बच्चों की, ये जरूरी है। कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है वो क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो चल रहा है ढोल गवार शूद्र पशुनारी इस पंक्ति को लेकर। राजनीति स्टैंड है सिर्फ उसको 85% को मैनेज करने की वजह से, ताकि वो स्लिप ना हो जाए। 85 में आते हो कि बिल्कुल 85 में आते हैं, कॉन्फिडेंट देखो भैया, कॉन्फिडेंट। 85 की वजह से स्लिप ना हो जाए वो तो इसको तो मैनेज कर लेंगे 15 वाले को, तो 85 वाला ना आया, 85 वाला इधर भी ना चला जाए तो ये वो सब 24 की है। 85 वाला जो है नाराज है क्या बीजेपी से? नहीं, वो तो स्टेटमेंट के साथ चलता है वो सब, मतलब उल्टी सीधी बात कहना, कम शिक्षा का अभाव होना, वो तो उसको हिंदू मुस्लिम पे खड़ा कर देना, रोटी रोजी से ना जोड़ना, ये सब चीजें हैं उसके लिए तो। अच्छा आप बताइए, हाँ, क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नेतागिरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए जो अभी मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है ना कि भगवान ने बनाई है, तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा, चर्चा का एक विषय हो गया है। आपके अनुसार क्या है भैया, जाति कौन बनाया? ये जाति जाति नहीं, ये जाति मोहन भागवत जी ने सत्य कहा है। जाति जो है भगवान ने नहीं बनाया है, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो कुछ लोग ने इस टाइप का जातियों पे बनाया है। आरएसएस में कोई जात पात नहीं है, आरएसएस में बिना जाति का नाम लिखा जाता है। लेकिन पंडितों को तो जातिवादी बता दिया मोहन भागवत, नहीं जो पेशेवर पंडित जातिवाद बनाए, पेशेवर पंडित हैं उन्होंने ही ये सब अपना रचा है, उन्हीं के द्वारा ये सब हुआ है। जो पेशेवर है पंडित जातिवाद हुए, फिर पंडित नहीं, पंडित में जो पेशेवर है उसमें पेशेवर आ गया। लो भैया, जाति जो है पंडितों ने बनाई है, तो मतलब पंडित जातिवादी है क्या? नहीं, जात उसने बनाई है और इसलिए बनाई है कि भाई पहले उनको अधिकार था, वही लिख पढ़ रहे थे और लोगों को तो अधिकार था ही नहीं, तो अपने मन से वो जो है बनाए हैं। दलित पिछड़े जज क्यों नहीं बनवा रहे? कभी कोशिश उन्होंने की? आज कोई भंगी, कोई चमार, कोई अहीर, कोई धोबी, कोई धानुक। राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते आप? अरे तो राष्ट्रपति तो बीजेपी का है, उसको मोदी जी ने बनाया है, लेकिन अखिलेश जी अगर राहुल जी का, फिर बनाएंगे? ये आरएसएस सिर्फ दलित पिछड़ों को बेवकूफ बना के वोट लेकर सत्ता लेती, जज नहीं बनाएगी, विधायक बनाएगी, क्योंकि विधायक बनाने से वो मुख्यमंत्री योगी जी बन जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ बेवकूफ बना करके हिंदू मुस्लिम करके दलित पिछड़े पढ़े लिखे बैठे और 24 सीटें। द्रौपदी मुर्मू का सम्मान मिला कि नहीं मिला? द्रौपदी मुर्मू पहले तो एक वो कानपुर के राष्ट्रपति, वो भी बीजेपी के थे। अभी यहाँ ये पूजा शुक्ला जी थी वहाँ पे, वो बाराबंकी में जिनकी जीत हुई उनको, उनके अधिकारी थे, उनके डीएम थे, आरओ होते, उनको पावर है, बेईमानी कर ली भाई, फांसी किसी को चढ़ाओगे? एक तो चढ़ा नहीं दोगे। यहाँ करोड़ों दलित पिछड़े हैं, किसके मकान तोड़ोगे? अगर हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे तो अगर हम 10 लाख भी निकल लें तुम्हारी जेल में जगह नहीं रह जाएगी। हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर तुम घर तोड़ रहे हो तो किसी बहन के छत का साया चला गया, वो कहाँ रहेंगे? पहले उनकी व्यवस्था करो। तुम्हारी अधिकारी इतने गंदे हैं, उनके विचार किसके, है? किसके अधिकारी? योगी के अधिकारी, जिसकी सत्ता होती अधिकारी उसके होते हैं। मुख्यमंत्री का नाम सम्मान से ले, ऐसे नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री तो सम्मानित है, लेकिन उनके अधिकारी इतने गंदे हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं। गलत गलत जो परिवार हैं बेचारे पहले से ही गरीब हैं और उनके छत का साया हटा दिया, ये कितनी गलत बात। अगर कोई रह रहा है, इतने जाड़े में रह रहे थे, जिनका मकान गिरा दे उनके दिल से। चलिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएंगे। मुद्दा हमारा ये, मुद्दे के अंदर बात करना हमारी भी मजबूरी है, समय की भी मजबूरी है। अभी ये बताइए कि जो ये जाति पॉलिटिक्स चलने लगी है, हालांकि चलनी नहीं चाहिए थी, बात बजट पे होनी चाहिए थी, शिक्षा पे होनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे होनी चाहिए थी, क्योंकि माहौल की डिमांड ये है, तो मजबूरन फॉलो करना पड़ गया भैया। अब आपके अनुसार ये जो है क्यों है, इस पर किसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ा? देखिए ये सब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं क्या कि दलित जो है वो बीजेपी से नाराज है?
नहीं नाराज होते तो वोट क्यों देते। लेकिन कहीं पे अगर मेरे खिलाफ गलत लिखा जाए, माननीय योगी जी के जगह अगर कोई गलत शब्द लिखा जाए तो सही कराएंगे नहीं सही कराएंगे, या किसी जिले को उनको गलत नाम लगता है तो उसको बदल देते हैं। तो अगर किसी दलित पिछड़े को कोई अपमान शब्द लिखा हुआ तो उसको उनको बदलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वो रामचरितमानस की चौपाई की बात कर रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के आधार, महिला अपवित्र होती है तो जन्म तुलसीदास ने किसी महिला के गर्भ से लिया है उसके बाद रामायण लिखी है। तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर महिलाओं के खिलाफ इतना आप बोलोगे तो जो पढ़ लिख कर जज बनने लायक हो तैयार बैठी आप वो गलत करते हैं, उनको जज बनाते नहीं, क्योंकि मतलब इन बातों का आम दलितों पर असर पड़ रहा है। 626 पेज नंबर पे लिखा है कि ये जो महिला है हमेशा अपवित्र है जन्म से, 626 पेज पे देख लीजिए रामायण में। रामायण पढ़े क्यों नहीं, रामचरितमानस पढ़ेगी रामायण नहीं पढ़ेंगे, जितनी पुस्तकें हमको अज्ञान तो नहीं है भैया, अज्ञान नहीं चलेगा वो चले या ना चले लेकिन किसी का जातिवाद भी नहीं चल सकता, जातिवाद नहीं होना, पढ़े लिखे जातिवाद नहीं होना चाहिए भाई। अगर कोई गरीब है किसी भी परिवार, ब्राह्मण हो ठाकुर हो, उसको घर चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, हम तो सबकी बात करते, हम जात की बात तो कभी नहीं किए ना हम बोले भाई सबको। आप देखिए एक ही अगर देश में समान शिक्षा समान अधिकार की बात होनी चाहिए, जाति की बात क्यों आई है, जाति जाति क्यों नहीं भैया, एक बवाल है नेताओं का, जाति होनी नहीं चाहिए, सब वोट देते भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी सभी जातियों ने वोट दिया। स्वामी जी का जो बयान है कि भाई हम धर्म पे नहीं बोले हैं, हम राम जी पे नहीं बोले हैं, भगवान पे नहीं बोले हैं, हम तो चौपाई बोले हैं, ऐसा उन्हें तो उनका काम आसान कर दिया उन्होंने, भागवत जी ने कि भी जाति जो है पंडितों ने बनाई है, भाई भगवान ने नहीं बनाई, राम ने जाति नहीं बनाई कि बात उन तक ना जाए, और ये उन्होंने ले लिया कि सभी पंडितों ने जाति बनाई है। मतलब आरएसएस वाले मोहन भागवत जी ने समाजवादी पार्टी वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया। हाँ, समर्थन कर दिया ना भाई, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो राम पे नहीं कहा कुछ, हमने रामचरितमानस पे कुछ नहीं कहा, हम धन पे कुछ नहीं कर रहे, हम तो जो शूद्र पशु नारी जो बताया उस पे हम कह रहे हैं चौपाई। तो बीजेपी पर उल्टा असर पड़ जाएगा भैया। नहीं क्या उल्टा असर, किस बात का, बीजेपी से तो ब्राह्मण नाराज हो रहा है ना, क्योंकि बीजेपी का जो अपर कास्ट वोट है ब्राह्मण ठाकुर, वो तो बीजेपी से ब्राह्मण फिर खिसकेगा ना, फिर नाराज होगा, देखो पंडित जी कितना नाराज है, पांडे जी गुस्सा खड़े, आंखें लाल हो गई, दिखाई दिखाई दिखाई, पांडे जी की आंखें लाल हो गई भैया, पंडित नाराज है। देखिए पंडित जो है नाराज, देखिए जो भी है वो है, या जो भी चीजें हो रही है उससे नाराजगी तो है नहीं, जाति कौन बनाया है भैया, भगवान बनाया है कि पंडित बनाए हैं। जब मोहन भागवत ने कबूल कर लिया इन लोगों का जो सरगना है, जहाँ से जाति व्यवस्था लागू चालू होती है, वो कबूल कर लिए तो और लोगों को मानने की क्या जरूरत है, तो लोग ऑटोमेटिक मान लेंगे उसी तरह। हाँ अच्छा, और जाति लोगों को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जाति बनाने की क्या जरूरत पड़ी, कहते हैं हिंदू हिंदू, अपने प्रचार करते हैं सनातन की, ये तो खुदे दुविधा में डाल देते हैं कि हिंदू है कि सनातन है, या तो एक ही बात करो, सनातन की बात करो ना तो हिंदू की बात करो, तो हिंदू कौन है सनातन कौन है, और सनातन में है तो वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बना है, सनातन धर्म के हिसाब से बना है, हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं बना है, इसको पालन करने वाले या पालन कराने वाले कौन है लोग। अच्छा, क्या दलित नाराज है बीजेपी से है? हाँ, दलित नाराज है क्या? नाराज की बात मत करिए, अगर नाराज नहीं, अभी जो पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मसला उठाया, इसकी जो चिंगारी लगाई, फिर जो बहता चला गया भैया, उससे नाराज हो गया क्या दलित? आग लग गई, आग तो लग गई, आग तो उस समय कांसीराम ही लगा दिए थे, कांसी मानवर साहब ने ही का आग लगा दिया था, बीच में ठंडा पड़ गया था, वो चिंगारी अब सुलग गई। टीम चाय के लिए बहुत सारा वेलकम एंड लॉट्स ऑफ विशेस, योर सक्सेस यू अचीव इन, अरे हम तो संघर्ष कर रहे हैं, इंडस्ट्री ए बिग थिंग, थैंक यू, हिंदी 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 बढ़िया लगती है, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, मातृभाषा है ना, कि आजकल थोड़ा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो इंग्लिश भी बोलना पड़ता है। गंगा में हाथ धो रहे हो? नहीं मैं तो धो रहा, आप तो, मैं तो चुनाव से पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, इधर भी मतलब यहाँ अभी छोड़िए, हम जो है मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे, क्या लग रहा है जाति कौन बनाया भैया, पंडित बनाए कि भगवान बनाया, पहले तो ये बताओ। देखिए मेरी जो रिसर्च कहती है, क्योंकि देखिए मैं एक तरह से बहुत ही कंडक्टेड विद ऑल सब्जेक्ट हूँ, मैं हर विषयों में अपने आप को पारंगत करने के लिए सोचता हूँ। अरे लड़ाई के बारे में चर्चा हो रही, चर्चा ठीक, कोई सार्थक चर्चा करिए। कोई कॉन्स्टिलेशन की जब बात होती है, पृथ्वी भी है, ग्रह है, ब्रह्मांड है,
तो अगर सीधी बताइए, समय कमी है, थोड़ा सा लंबा इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इस तथ्य को बहुत हमें जड़ से समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बनना क्या चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं तो मैडम बस सेवक ही बहुत हूँ, सेवा ही। सबसे पहले सेवा ही करने की बात, क्या क्या नेता आते हैं उसके बाद मेवा ले कुफूर हो जाते हैं? जो बहुत से ऐसे नेता देश में हुए जो जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन जनता के लिए ऐसी चीजें की है। लेकिन समय बदल गया, वैसे नेता जो है हमको लग रहा है सत्युग में जाना पड़ेगा। 100% स्वार्थी पॉलिटिशियंस मिलेंगे, स्वार्थ सबको लिए डूब रहा। अच्छा आ गई आपके पास, ये बताइए कि अभी अभी क्या होगा? ये बहुत घुमा रहे हैं आप, बहुत बड़े नेता बनेंगे। जात की बात क्योंकि यार जाति जनगणना करा दी जाए, जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, जात पात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये तो मतलब अनहोनी बात है। अगर इस बात का है मामला तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जाए? आपके अनुसार कौन बनाया है जाति? जाति भगवान बनाया, भगवान भगवान अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। सृष्टि को जो शेषनाथ तिवारी नाम है, एक तिवारी से ज्यादा नहीं कुछ बोल सकते। सुनिए तो, जाति कोई चाहे ब्राह्मण चाहे कोई नहीं बनाया है, सृष्टि को रचने वाले भगवान बनाया है। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि भगवान नहीं बनाए हैं, इसका क्या है? वो तो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? हाँ वो तो गलत कह रहे हैं। तो आपको लगता है मोहन भागवत गलत कह रहे हैं? हाँ गलत कह रहे हैं, सृष्टि को रच कोई जात कोई नहीं बनाया है।